हेलो एवरीवन, द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, मैं आज आ गई हूँ वीकली रीडिंग लेकर जेमिनाई के लिए। जी हाँ, मिथुन राशि के लिए लेकर आई हूँ मैं इस साप्ताहिक आप लोगों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल। और ये साप्ताहिक राशिफल होने वाला है फ्रॉम 8th of November से 15 नवंबर तक। जी हाँ, 8 नवंबर से 15 नवंबर तक का साप्ताहिक राशिफल होने वाला है। एंड इस साप्ताहिक राशिफल में गाइस, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको क्या एडवाइस है इस हफ्ते आप लोगों के लिए, आपका लकी कलर, आपका लकी नंबर। सो शुरुआत करते हैं आज की साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि के लिए। One more card for Gemini weekly. So, आइए देखते हैं मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा जाने वाला है ये हफ्ता। आपका पहला कार्ड है द फूल, फाइव ऑफ वॉन्स, Nine of Swords, Page of Pentacles, King of Pentacles reverse, Two of Wands, Six of Wands, The Hanged Man, The Judgment। मिथुन राशि के लोगों में अगर आपकी बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है ये हफ्ता आप कुछ प्लान करना चाह रहे हैं या कुछ प्लान कर रहे हैं बड़े टाइम से, लेकिन जो आपका दिमाग है ना वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता। बढ़ने इसलिए नहीं देता क्योंकि आप लोगों को पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि लोग बाहर के लोगों से लड़ाई करते हैं, आप अंदर अंदर अपने आप से ही लड़ाई कर रहे होते हैं आप, जिसकी वजह से अगर आप अपने दिल की सुने तो मैं आपको बोलूँगी कि आप विक्ट्री ले सकते हैं। जी हाँ, आप कामयाबी पा सकते हैं, लेकिन आपका जो दिमाग है वो आप इतना ओवरथिंक करते हैं आप लोग कि वो उस ओवरथिंकिंग की वजह से आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, और वही ओवरथिंकिंग आपको रात भर सोने नहीं देती, आप परेशान होते हैं रात भर। तो अगर मैं बात करूं इस हफ्ते तो आप परेशान हैं, आपने कुछ प्लान किया है करियर वाइज, और कुछ केसेस में फाइनेंशियल वाइज तो है ही है, कुछ केसेस में लव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप वो दो राह पर हैं। आप प्लान करते हैं, आप सोचते हैं हाँ अगले दिन उठ के मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, लेकिन जब आगे बढ़ने की बारी आती है फिर आपको आपका दिमाग कुछ और नहीं नया फितूर लेके आपको वो आगे बढ़ने से रोक देता है, जिसकी वजह से जो आप जजमेंट है वो आप नहीं ले पा रहे इस हफ्ते। जी हाँ, फाइनेंसेस की बात करूँ तो फाइनेंसेस भी ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे मुझे आप लोगों के, और कुछ लोग बड़े मस्त मौला ज़िंदगी भी चला रहे हैं। मुश्किलें तो हैं आपके उसमें, बट आप मस्त मौला ज़िंदगी चला रहे हैं अपनी, और कुछ लोग जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो डिसीजन नहीं ले पा रहे,
जिसकी वजह से वो रात भर सो भी नहीं पा रहे हैं। तो इस हफ्ते आपका बड़ा मिक्स्ड सा हफ्ता मैं कहूँगी जाने वाला है। ये मिक्स्ड हफ्ता यही कह रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, और वो ना लेने की वजह से आप रात भर सोएंगे भी नहीं। आइए देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में हमारी ओवरऑल एनर्जी क्या है। सी, वी हैव फोर ऑफ कप्स। देख लीजिए आप, फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स हमें यही बता रहा है ओवरऑल एनर्जी में कि आप के पास सब कुछ है। जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि हम आपके पास प्लानिंग भी है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप अब जैसे आपको खुद मैं इस इंसान के थ्रू ही बताऊंगी, ये इंसान इन कप्स को देख रहा है, सब कुछ है इसके पास, लेकिन जो एक कप उसको ऑफर भी हो रहा है वो उसको नज़रअंदाज कर रहा है। वो जो उसको सोचना चाहिए जिसके बारे में वो नहीं सोच रहा, वो नेगेटिव हो रहा है, और वही चीज़ आप भी कर रहे हैं इस हफ्ते अपने अपनी मेंटल स्टेट के साथ। मैं कहूँ आपका मेंटल स्टेट काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। सो गाइस, मैं आपको पर्सनल ये एडवाइस देना चाहूँगी कि अपने दिमाग को थोड़ा शांत करें, क्योंकि प्लानिंग स्ट्रैटेजी आपके पास पूरी है, बस आपको आगे बढ़ने की देरी है। एंड चलिए बात करते हैं आज की मिथुन राशि के लोगों के लिए इस हफ्ते का लकी नंबर। इस हफ्ते का लकी नंबर मिथुन राशि के लोगों के लिए है नंबर 6। जी हाँ, नंबर 6 इज़ द लकी कलर फॉर जेमिनाई पीपल। एंड लकी कलर की बात करूँ तो आप लोगों के लिए लकी कलर है वाइट। जेमिनाई पीपल, आप लोगों का लकी कलर है वाइट। आइए देखते हैं एडवाइस आप लोगों के लिए इस हफ्ते। ओके, आप लोगों के लिए मेरे को ज़्यादा शफल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सी, आप लोगों के लिए एंजल लेडी पोर्शिया एडवाइस करना चाह रही है डिवाइन ऑर्डर। डू व्हाट यू फील इज़ राइट। आपको जो सही लगता है आप वही कीजिए। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपसे डिसीजन की बात करी तो लेडी पोर्शिया आपको यही बताना चाह रही है कि जो भी आपका डिसीजन है आप उस पे खड़े उतरे, आप आगे बढ़ें। अगर आपको वो सक्सेस मिलती है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलती तो आप उसको एज एन एक्सपीरियंस गेन कीजिए आगे के लिए। तो वो यही बोल रही है कि इम्पॉर्टेंट लेसन आपके लिए अनफोल्ड होने जा रहा है, अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तब भी, और अगर आप अपने प्लान में जो आपने प्लान आउट किया हुआ है उसमें अनसक्सेसफुल होते हैं तब भी। सो गाइस, ये थी जेमिनाई पीपल की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हेड्स अप अ थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।